वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं 354 आईपीसी क्या कहती है इसके बारे में, इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना ना बोले, जब तक आप अंत तक इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको इस धारा के बारे में पता नहीं लगेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं 354 आईपीसी क्या कहती है। 354 आईपीसी किस पे लगती है और क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आप इस वीडियो से जान सकते हैं। किसी भी महिला के साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर छेड़छाड़ की जाती है या उसके साथ क्रूरता से देखते हैं या उसका पीछा करते हैं या उसकी फोटो खींचते हैं या अनलीगल तरीके से उसकी फोटो को वायरल करते हैं तो आपके 354 बनती है। लेकिन क्या क्या प्रोसेस है, मान लो कोई व्यक्ति किसी महिला के पीछे से उसका पीछा करना चाहती हुई महिला का, उसको गुर्रा के देखना, उस पर नजरें डालना, उसकी तरफ गलत इशारे करना या उस पर के फोटो खींच कर उस फोटो को वायरल करने का, ये 354 के लिए में आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस महिला 354 का केस उस व्यक्ति पे दर्ज करा सकती है। लेकिन दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, अगर लीगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे है कि जैसे घर की कुछ लड़ाई है उसी को भी लेकर भी 354 दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इस जो महिला की आड़ में 354 का दुरुपयोग भी हो रहा है। इसलिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला का पीछा करता है, उसकी इज्जत पे हाथ डालता है या उस महिला का गलत तरीके से वीडियो बनाता है या फोटो खींचता है और उसे पब्लिश करता है, पब्लिक में फैलाता है, व्हाट्सएप जैसे फेसबुक आदि पे, तो वो व्यक्ति 354 का दोषी पाया जाता है। अगर ऐसा होने के बाद उस व्यक्ति को कितने साल की सजा होगी, कितने साल की नहीं होगी, दोस्तों अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाता तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ उसे आर्थिक दंड भी या दोनों से सजा दी जा सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो अब उसकी शिकायत जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको 2 साल की सजा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है या आपको पाया जाता है तो आपकी तुरंत उसकी शिकायत करें। अगर ऐसी महिला के साथ ऐसी बेइज्जती करता है, महिला की छेड़छाड़ करता है दोस्तों, तो 354 की सजा का प्रावधान है, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें, और आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।